हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि कॉमर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको ये जो हमने लास्ट वीडियो में ये स्लीव कट की थी वुलन सूट की, इसे हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो लाइनिंग वाला पीस है इसे हमने नॉर्मल जैसे हम स्लीव कट करते हैं सेम उसी तरीके से कट किया है, और जो नीचे मेन फैब्रिक है उसे हमने इससे 5 इंच 5.5 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। अब जहाँ तक हमने प्लीट्स डालनी हैं, बल डालने हैं, उसके लिए हमने निशान लगाया है। इसका टोटल करके इसमें से हाफ कर दिया है, जो सिलाई वाला निशान है वहाँ तक नापाया है हमने इसे। 3.5 इंच कुछ आया है तो 3.5 इंच का निशान लगा दिया है वहाँ पर लाइनिंग के ऊपर। सेम इस तरीके से इसके बराबर में भी यहाँ पर निशान लगा देंगे हम। यहाँ तक हमें इसमें बल डालने हैं। बल डालने का तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ। जो ऊपर वाला ये मेन फैब्रिक है, ऊपर की तरफ से हमने इसे 1.5 इंच सीधा कट किया था, तो 1.5 इंच एज इट इज़ छोड़ देंगे, और वह 1.5 इंच पर चाहे आप निशान लगा लीजिए, चाहे छोटा सा कट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच पे हम कट छोटा सा निशान लगाएंगे चौक की मदद से। अब बाकी में हमने 2-2 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से निशान लगा देने हैं। ये आपको देखना है कि आप कितना गैप रखना चाहते हैं। ध्यान ये रहे कि गैप बराबर ही होना चाहिए, छोटा बड़ा होगा तो उससे लुक बिल्कुल ख़राब आएगा हमारे बाजू का। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। एक छोटा सा कट यहाँ पर लगा लेंगे मेन फैब्रिक में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ तक हमने इसमें बल डालने हैं। ऊपर सेंटर में भी हमने इस तरह से छोटा सा कट लगा लिया है। ये हमने नीचे फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, तो यहाँ पर हमने इसे गुम सिलाई लगानी है। तो इसे क्या करेंगे, एक पीस लाइनिंग का लेंगे और एक ही हमारी बाजू का लेंगे। दोनों पीस की सीधी साइड आपस में एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है और देख लेना है कि किस तरफ हमारे जो फ्रंट वाली काट होती है वो किस साइड आ रही है। उसे चेक करने के बाद में जो ये आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाल वाली पट्टी को अंदर रखना है और बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है लाइनिंग के साथ में। पहले हमने इसे फोल्ड करने के लिए ही एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, लेकिन बाद में सोचा कि आपको ये भी बता दें कि गुम कैसे किया जाए सिलाई को। तो इस तरीके से हमने इसे पलट लेना है, और आप देख सकते हैं जो नीचे वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला गया है। अब जब इसे हम सीधा कर लेंगे तो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देगा, ना नीचे की तरफ से दिखाई देगा, अंदर चला गया है। इस वजह से हमने इस तरीके से लाइनिंग के ऊपर ही ये सिलाई लगाई है। जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई है हमने। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है कपड़े को। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, नीचे की तरफ से एक सिलाई और लगा लेंगे, ताकि नीचे की तरफ से जो अंदर में एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं आप चाहें तो, या फिर आप इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हैं। वहाँ से बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी फिर जो मेन मोहरी है हमारी बाजू की। सिलाई लगाते वक्त कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है, ताकि वहाँ पर कपड़ा इकट्ठा ना हो। नीचे की तरफ से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी जो दोनों साइड है वहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगाकर लाइनिंग को, जो मेन फैब्रिक है हमारी स्लीव्स का, उसके साथ में अटैच करना है। दोनों साइड पर हमने मोटी सिलाई करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से सेंटर से इंची टेप को इस तरह से पकड़ना है। और हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले हमने 3.5 का बताया था आपको, अब हम 4.5 पर निशान लगा रहे हैं। देखते हैं कितने में हमारे ये बल कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से हमने कपड़े को सेंटर से सेंटर मिलाना है दोनों कपड़ों का, और वहाँ से हमने यहाँ पर बल डालकर रेडी करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, 1.5 इंच हमने इस तरीके से सीधा छोड़ा हुआ है, तो उस तरीके से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद में 2-2 इंच करते हुए इस तरह से निशान लगा लिए हैं। पहला 2 इंच वाला निशान पकड़ेंगे जो 1.5 इंच पर जाएगा, उस तरीके से निशान मिलाते हुए हमने इस तरीके से बल डालने हैं इसमें। ये पहला हमने रखा, पहला गैप जो है हमारा 1.5 इंच का है, उसके ऊपर 2 इंच वाली चुन्नट को उसके ऊपर मिलाते हुए रखना है। और इस तरीके से जब रखेंगे तो अपने आप ही कपड़े का लुक चेंज होता जाएगा, स्लीव का डिज़ाइन बनता जाएगा। इस तरीके से हमने इस पर बल डालने हैं और सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। एक साइड के हमने बल डाल लिए हैं, सेम इस तरीके से दूसरी साइड भी हमने बल डालने हैं। तो अब हम दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से रखेंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है सेम उस तरीके से हमने कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है। आप जब दूसरी साइड के बल डालेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक बनेगा हमारी स्लीव का,
और इस तरीके से हमने पूरे में इस बल डालते हुए इसे स्टिच कर लेना है। जब हम इसमें इस तरीके से चुनट बनाएंगे तो इस तरीके का लुक आएगा, जैसे लहर वाला होता है, इस तरीके से हमारी ये बाजू का लुक बनेगा। क्योंकि ये हमने डबल कपड़े में बनाई है, अगर ये सिंगल कपड़े में बनती तो बहुत इससे भी प्यारा और सुंदर डिज़ाइन बनता है। मैं आपके लिए सिंगल कपड़े में भी ये बाजू का डिज़ाइन ज़रूर लेकर आऊँगी जल्दी ही। ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक बनकर आया है हमारी इस स्लीव का। अगर आपको ये बाजू का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सेम इस तरीके से हमने दूसरी जो बाजू है हमारी उसको भी रेडी कर लेना है, फिर उसके बाद में आपको फाइनल लुक दिखाते हैं हमारी स्लीव का। हमने यहाँ पर दोनों जो हमारी बाजू हैं वो रेडी कर चुके हैं। अब इनको हम सूट के साथ में स्टिच करेंगे। बाजू को सूट के साथ अटैच करने का तरीका ये है, सेंटर से एक तो निशान मिलाना है आपस में और दूसरा फ्रंट वाले कार्ड दोनों की एक तरफ होनी चाहिए। उसी तरीके से ही बाजू अटैच की जाती है। अगर फ्रंट वाली कार्ड पीछे की तरफ चल जाएगी तो उससे बिल्कुल लुक ख़राब हो जाएगा हमारे बाजू का। तो इस तरीके से हमने सेंटर वाले निशान से सेंटर मिलाना है और वहाँ से हमारी जो बाजू है उसको स्टिच करेंगे सूट के साथ में। एक साइड की बाजू हमने स्टिच कर ली है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। सेम इस तरीके से दूसरी स्लीव को भी हमने अटैच कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।